वेलकम बैक टू योर चैनल एस जी इंग्लिश लवर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनका बर्थ 1874 कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था और इनको जो है 4 टाइम पुलित्जर प्राइज भी मिला था और ये पोएट लॉरियट इनको टाइटल मिला था। ये अमेरिका के बहुत ही जाने माने फेमस पोएट हैं। इन्हें नेचर और ग्रामीण लाइफ के बारे में लिखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए इन्होंने बहुत सारी पोएम्स को अपनी नेचर पे और ग्रामीण लाइफ पे बेस्ड इस तरीके से लिखा है। तो अब आ जाते हैं अपनी पोएम की तरफ, पोएम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पोएम को 1914 में लिखा गया और इसी में इसको पब्लिश किया गया। अपने एक कलेक्शन में इन्होंने पब्लिश कराया था, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। 14 लाइंस की पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, एम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। ब्लैंक वर्स है गाइस, सो कॉमन सी बात है कि इसमें राइम नहीं होगी, इसलिए ये अनराइम्ड पोएम है। नैरेटिव पोएम है, फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, काफी सारे यूज किए गए हैं, बस बेसिकली मैंने दो ही यहाँ पे लिख रखे हैं। फर्स्ट है सिमली जो कि इन लाइंस में यूज किया गया है, इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्ड। नेक्स्ट है मेटाफर, ये मेटाफर इन लाइंस में यूज किए गए हैं, ये जो लाइंस हैं ये अलग अलग स्टैंजा की हैं, आप देख लीजिएगा। और कुछ कॉमन फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो हर पोएम में आपको मिल जाएंगे, हर पोएम में यूज होते हैं, जैसे कि रेपिटेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, एसोनेंस हो गया, ठीक है। तो इन्हें तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये दो मेन इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, इसीलिए मैंने इन्हें जो है इसमें डिस्कस किया है। तो बढ़ते हैं आगे, सिंबोलिज्म इसमें वॉल, फैंस, हिल, ये यूज किए गए हैं। और मूड इसका है क्यूरियस एंड थॉटफुल। थीम इसका है डिफिकल्टी ऑफ चेंज इन सोसाइटी, जो कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें ऑलमोस्ट यंग पर्सन के बारे में बात की गई है कि जो एक यंग पर्सन होते हैं, पर्सन होता है, ये क्या करता है, ओल्ड पर्सन के खिलाफ जाता है, उनके ट्रेडिशंस, उनके रूल्स को क्या करता है, इग्नोर करता है और उनसे बहस करता है या अपनी बात को रखने के लिए संघर्ष करता है। जैसे मान लीजिए आपकी दादी, नानी, नाना, ये आपको कुछ ट्रेडिशंस की वैल्यू सिखाते हैं, मतलब ऐसे समझाते हैं, वॉल दीवार ये इसमें दिखाया गया है तो इस तरीके से बताते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, इस चीज के लिए उनसे बहस करते हैं और कहते हैं कि ये आपके टाइम की बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वास्तव में बड़े बुजुर्ग जो हमें बताते हैं, जो हमसे कहते हैं, उनके पास इसके लिए एक ठोस रीजन होता है, उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वे हमें सिखाते हैं और इसे फॉलो करने के लिए कहते हैं। जैसे कि इस पोएम में कहा गया है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? अब ये एक ट्रेडिशन में आ गया, क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्ग इसको मानते आए हैं, इसको कहते आए हैं, इसलिए अब ये ट्रेडिशन में आ गया। तो कुछ लोग इसे व्यर्थ कहेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इसे फॉलो भी करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, मान लीजिए दो पड़ोसी हैं जिनका घर पास पास है या अटैच है। अब बुजुर्गों की माने तो दोनों पड़ोसियों के घर के बीच या खेत दीवार, इनके बीच में दीवार होनी चाहिए, क्योंकि चलो ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जब दो पड़ोसी आपस में साथ साथ जिंदगी गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है कभी झगड़ा भी होगा, किस बात को लेकर होगा, कभी भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि पड़ोसी के घर के बाहर छोटी सी क्यारी है, ठीक है, इसमें फल फूल लगे हुए, एक पड़ोसी है जिसके घर के बाहर क्यारी है छोटी सी, इसमें फल फूल सब्जियां लगी हुई हैं, और दूसरे पड़ोसी के घर क्या है, गाय बकरी भैंसे हैं। तो अगर ये जानवर उस पड़ोसी की क्यारी नष्ट कर दें या चर डाले, तो वो वाला पड़ोसी आएगा और आपके घर मिठाइयां दे जाएगा और खुशखबरी देगा, वाह भाई वाह, आपकी जो गाय भैंसे हैं इन्होंने हमारी क्यारी खराब कर दी, नष्ट कर दी, और मैं बहुत ही खुश हूँ। वो आपको बधाइयां देगा, शाबाशियां देगा, नहीं ना, ऑब्वियसली लड़ाई होगी, दंगा फसाद होगा, गली गलौज होगा, ठीक है। तो इससे बेटर है ना कि एक दीवार बना दी जाए बीच में, जिससे पड़ोसी के बीच में प्यार भी बना रहेगा और उनका नुकसान भी नहीं होगा। इसीलिए पोएट ने कहा है गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। अब समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है, इस दीवार का क्या मतलब है। अब एक जो मॉडर्न होगा, नए जमाने का पर्सन होगा, वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू कहाँ समझेगा, वो तो यही बोलेगा घर की शोभा खराब हो जाएगी, ये घर खराब हो जाएगा, ये सब पहले होता था, अब नहीं होता ये सब, अब आपके जमाने की बात अलग थी और हमारे जमाने की बात अलग है। क्या वो अपने बड़ों के ट्रेडिशन का उल्लंघन करेगा, उसे फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें बहुत सारे थीम्स को लेकर इन्होंने मेंडिंग वॉल को जो है लिखा है, जो आजकल के लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, या ये जो सोशल ट्रेडिशंस होते हैं, इनमें जो बदलाव होते हैं, इन्हीं सबको इसमें दिखा गया है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं।
समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। कुछ तो है जो दीवार से प्यार नहीं करता। पोएट गेस करता है कि आसपास कोई ऐसी चीज होगी जो बार बार दीवार को तोड़ देती है। शायद जमीन के नीचे पानी भर गया है जिससे उसकी जो जमीन है वो जमी हुई जमीन जो है वो स्वेल कर रही है, यानी कि उसमें सूजन आ गई है जिससे इसके स्पिल्स पर बोल्डर नीचे गिर जाते हैं और धूप में बिखेर देता है जिसके कारण इसमें गैप्स बन गए हैं, दरारें पड़ गई हैं। दरार तब तक बढ़ती हैं जब तक कि ये इतनी चौड़ी ना हो जाए कि इसमें से दो लोग यानी कि इसके पास से गुजर सके और एक ही साइड में चल सके। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द ईपिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन द मेड और हर्ड द मेड बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। इन लाइंस में पोएट इस विचार को खारिज करता है कि दीवार को शिकारियों ने तोड़ा होगा। शिकारियों द्वारा पत्थरों को इधर उधर करने के बाद मैंने खुद मरम्मत की है ताकि खरगोशों को अपने कुत्तों को पकड़ने के लिए अपने बिलों से बाहर आने दिया जा सके। हालांकि दीवार पर अब जो दरारें दिखाई दे रही हैं, ना तो किसी ने बनाते हुए देखा और ना ही इन्हें किसी ने बनाते हुए सुना है, लेकिन स्प्रिंग में यानी वसंत ऋतु में मेंडिंग वॉल के समय हम उन्हें वहीं ढूंढते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल And on a day, we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. मैंने अपने पड़ोसी को पहाड़ी के पार बताया और एक दिन हम लाइन पर चलने के लिए मिले। दीवार के साथ साथ चलते हैं और हमारे बीच एक दीवार फिर से दीवार खड़ी कर लेते हैं हम आपस में और हम इस टाइम अपने बीच दीवार रखते हैं और अपनी दीवार की हानि की पूर्ति करते हैं जो उसमें प्रॉब्लम्स हुई थी और ऐसा लगता है कि जैसे हम दीवार के साथ साथ चल रहे हों। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच एंड सम आर लूज एंड सम सो नियरली बर्ल्स वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस स्टे वेयर यू आर अंटिल अवर बैक्स आर टर्न्ड। एक एक जो पत्थर गिरे हैं और कुछ रोटियां हैं और कुछ लगभग यहाँ पर गेंदे हैं यानी कि कुछ गोल गोल से यहाँ पर बॉल्स की तरह हैं, हमें उन्हें बैलेंस के लिए एक मंद का यूज करना होगा। जब तक कि हमारी पीठ नहीं मुड़ जाती है तब तक हम वहीं रहेंगे। मीन्स ये जो पत्थर हैं ये हमेशा एक आकार के नहीं होते हैं, कुछ रोटी के समान गोल होते हैं, कुछ तिरछे होते हैं, तो इनको एक साथ दीवार में रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। वी वेयर्स अवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम्स वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल ही इज अल्पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। उन्हें संभालने में हम अपनी उंगलियों को खुरदरा कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वे एक खेल खेल रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे एक आउटडोर गेम खेलते हैं जहां एक टीम में केवल एक ही अपोनेंट होता है यानी कि एक ही प्रतिद्वंदी होता है। हमें दीवार की जरूरत नहीं है, वो सभी देवदार हैं और मैं सेब का बाग हूँ। कहने का मतलब ये है कि दीवार पूरी तरह अनावश्यक है क्योंकि दोनों किसान अलग अलग तरह के पौधे उगाते हैं, पोएट सेब उगाते हैं और पड़ोसी इनका देवदार। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइंस आई टेल हिम। मतलब पोएट कहता है कि मेरे सेब के पेड़ कभी उस पार नहीं जा पाएंगे और कॉर्न्स अपने पाइंस के नीचे खाएंगे। मतलब मेरे सेब के पेड़ इतने भारी भरकम नहीं है जो इन विशाल वृक्षों को कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। मैं उससे इसी बारे में बताता हूँ, उसे कहता हूँ। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें दीवार की कोई जरूरत नहीं है। He only says good fences make good neighbors. Spring is the mischief in me and I wonder if I could put a nation in his head. वो बस मुझसे यही कहता है कि अच्छे बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। वसंत ऋतु में पोएट जो है ये शरारती पर महसूस करता है और अपने पड़ोसी की दूसरे तरीके से उससे सहमत होने के लिए मानने की कोशिश करता है। Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cows? But here there are no cows. Before I built a wall, I'd asked to know what I was walling in our walling out and to whom I was like to give offense.
इन लाइंस में पोएट अपने पड़ोसी से पूछता है कि अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी क्यों बनाते हैं। बाड़ अक्सर उन पर हरियाली बिखेरते हैं और वे गायों को आकर्षित करते हैं कि मतलब कि उनके लिए हरा चारा अवेलेबल होता है, लेकिन जहां उनके खेतों के बीच की दीवार टूट गई है वहां गाय नहीं है। मैं जानना चाहता था कि मैं क्या दीवार बना रहा था, या बाहर दीवार बना रहा था या किसी और के लिए दीवार बना रहा था। पोएट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज की सुरक्षा कर रहा है और शायद दीवार लगाने के विचार को भी पसंद नहीं करेगा और मैं इसके लिए अपराध करना चाहता हूँ, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई अपराध किया है। Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say is to him, but it's not is exactly, and I'd rather he said it for himself. I see him there bringing a stone grasped formally by the top in each hand like an old stone savage armed. कुछ तो है जो दीवार से प्यार नहीं करता है, जो उसे गिरा देना चाहता है। मैं उसे कल्पित बौने कह सकता हूँ, लेकिन ये वास्तव में रियलिटी में कल्पित बौने नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि वे इसे अपने लिए कहें। मतलब पोएट अनुमान लगाता है कि जो है ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये कल्पित बौने हैं, इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन फिर वो क्या करता है, वो चाहता है वो अपने सीरियस पड़ोसी को ये सब नहीं बताए, बल्कि इसके बजाय वो खुद ही उसको जानने की कोशिश करे। मैं उसे वहां देख रहा हूँ कि वो एक पत्थर को ऊपर से मजबूती से पकड़े हुए प्रत्येक यानी कि हर हाथ में ले जा रहा है, जैसे कि एक पुराने पत्थर की तरह हथियार बंद। मतलब यहाँ पर पत्थरों के लिए हथियार भी पत्थर ही खुद है। He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. वो अंधेरे में चलता है, यानी कि उसका पड़ोसी इस तरीके से अंधेरे में चलता है जैसा कि मुझे लगता है कि न केवल जंगल और पेड़ों की छाया से किसी प्रकार का कोई संबंध तो है इसका, कि कोई दोस्ती है इसकी। वो अपने पिता के कहने के पीछे नहीं जाएगा और उसे इस बारे में इतनी अच्छी तरह से सोचना पसंद है। वो फिर से कहता है कि अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं।